अगर आप करियर गैप मैनेज कर रहे हो या फिर आप फेक एक्सपीरियंस साथ में जा रहे हो कोई भी कंपनी के अंदर, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, 1 मिनट का वीडियो बना रहा हूं। बहुत से बार ये होता है कि जब हम लोग कंपनी का एक्सपीरियंस लगाते हैं तो हम वो टाइम पे ज्यादा सोचते नहीं है, बिकॉज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो गया मतलब सब कुछ हो गया हम लोगों के लिए। बट ऐसा नहीं होता है, जब आप कोई एमएनसी का पार्ट होते हो जैसे कैपजेमिनी, टीसीएस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, आईबीएम, ये कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका प्रीवियस के बाद में प्रीवियस का भी वेरिफिकेशन करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैपजेमिनी में चले गए, आपने 1.5-2 साल वहां पर काम किया, फिर आप कोई दूसरे माइंडट्री में चले गए, और अगर इसका वेरिफिकेशन होता है तो माइंडट्री कैपजेमिनी का वेरिफिकेशन तो करेगा ही करेगा। इसके पहले जो आपने थर्ड पार्टी कंपनी लगाई थी वो उसका भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है। और ये केसेस में भी मालूम पड़ा है कि जो बच्चों ने कंपनी लगाई थी वो कंपनी अभी बंद हो चुकी है, और ऐसे कुछ कंडीशंस के अंदर जो ले ऑफ में बच्चे हैम्पर हुए हैं ना, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो कभी भी जब कंपनी लगा रहे हो तो देखो वो कंपनी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए।